अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो दोस्तों सीन जैसे हैं कि मैं उठ गया था, नहा लिया, नाश्ता भी किया। नाश्ते के बाद मैंने और ज़ैफ़ा ने वही पकौड़े वही खा लिए और उसके बाद अभी जा रहे हैं नारोवाल, जब तक हम तस्वीरें वस्वीरें लेने के लिए इस तरफ खेतों की तरफ जा रहे हैं। तो आपको दिखाते हैं कि अच्छा ये एक दरख्त की स्टोरी है। ये दरख्त है, ये बहुत पुराना है। ये तो खैर थड़ा भी बना, पहले कच्चा होता था बचपन में आके। ये मतलब मैं बचपन से इस दरख्त को देख रहा हूँ, ये बहुत पुराना है। लास्ट टाइम गाड़ी पे आया था, गाड़ी हम लोगों ने इधर खड़ी की थी अभी। तो अभी खेतों साइड जा रहे, इस तरफ चलते हैं ना। हाँ उस तरफ चलें, इस तरफ इधर ही चलते, मैं कहता हूँ उधर सामने जाएंगे ना। तो अभी हम लोग खेतों साइड पर जा रहे हैं, रास्ता जाते हैं खेतों की तरफ। अभी हम लोग इधर जा रहे हैं खेतों साइड पे तस्वीरें लेने के लिए। इधर तस्वीरें लेंगे, अच्छी तस्वीरें भी आएंगी। और ये देखें छोटे छोटे से ये बकरे और ये बैले बैले और ये छोटे छोटे से। नारोवाल इसीलिए जा रहे हैं, नारोवाल में जैकेट लेनी थी और क्योंकि हाफ लें तो सर्दी होती है रात के टाइम पहनने के लिए। मेरा ज़ुकाम नहीं ठीक हो रहा, ज़ुकाम हुआ और जैकेट लेनी है, बस यही काम है नारोवाल में, और कुछ भी नहीं है। जल्दी से अच्छी अच्छी तस्वीरें लेते हैं। बहुत ही खूबसूरत इस टाइम ग्रीनरी है, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये पालियाँ पड़ी हुई हैं और ये सारी इस तरफ से ग्रीनरी है। ये फेंस बने हुए हैं, यहाँ पर लोग अपने वो रखते हैं भैंसे बकरियाँ। लोगों ने यहाँ तस्वीरें वस्वीरें ले ली, वीडियोस बना ली है। तो ये आपने क्लिप्स देखे वो इधर ही बनाए हैं, करता है तो मैं बैग्स बनाता हूँ। ज़ैफ़ा बोल रहा है आपके मोबाइल का ये जो है फ्रंट कैमरा काम नहीं करता। मैं कह रहा हूँ नहीं, व्लॉग में रेयर कैमरा से बनाता हूँ, इससे भी जुने। वो देखो भाग गई, मैं अभी इसके करीब जा रहा था। ये मस्त बैल है, ये पीछे भी नहीं, पीछे नहीं पड़ती है। एक एक भैंस एक दफ़ा पीछे पड़ी थी मारने के लिए, वो फुल भाग रही है, उसको भगाया जा रहा है। वो देखो बस अभी जा रहे हैं, बाबा लोगों का इंतज़ार करते हैं, वो लोग आते हैं फिर चलते हैं नारोवाल। रोटी खा ली है? नहीं अभी नहीं खाई, अभी खाना खा रहे थे, टाइम लगेगा थोड़ा सा उनको भी। और आज यही काम है, मैं आज उठा था तकरीबन 10:30 पर, 10:30 उठाऊँ मैं। और आज जल्दी उठ गया बड़ी खुशकिस्मती से, जितना जल्दी उठा उतना ही लेट हो रहा है। अभी तकरीबन 2:30 हैं, 2:20 हो रहे हैं। तो यहाँ पर ना मछलियाँ इन लोगों ने पीछे पकड़ी जो सैलाब से आई हुई, अभी यहीं पर ना मछलियाँ वछलियाँ धो रहे हैं। तो चलते हैं मछलियाँ देखते हैं, मछलियाँ पकड़ी हैं इन लोगों ने, सारे देख रहे हैं मछलियाँ। ये मछलियाँ पकड़ी, 3 मन मछलियाँ पकड़ी हैं इन लोगों ने बड़ी सैलाब से। ये भी घर लेके जाएंगे, बनाएंगे, गंदे पानी में थी इसीलिए अभी साफ करेंगे, फिर बनाएंगे उसको खाने के लिए। इसमें जुनेद हफीज चैनल को सब्सक्राइब करो। हाँ गुड, शाबाश। ये इनकी भैंसे वैंसे हैं जगह पे, ये उनका घर है सामने, और इधर इन्होंने मछलियाँ पकड़ी हैं। मछलियाँ कहाँ से पकड़ी वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा बकौल उज़ैफ़ा के मछलियाँ सैलाब से जो आज सैलाब आता किधर से, मुझे ये समझा सिर्फ। गर्मियों में आता है तो उस वक्त से पड़ी हुई अब तक ये तो जिंदा कैसे? ये गंदे टाइप है, ये सर्दियों में इसका पानी जरा कम हो जाता है तब लोग निकालते हैं इधर से। अच्छा यहाँ पर एक दलदल है, यहाँ पर सैलाब में कह रहे गर्मियों की वजह से जब सैलाब आता है तो मछलियाँ उसमें आ जाती हैं। तो अभी इन्होंने मछलियाँ पकड़ी हैं तो खामखा जिंदा होंगी, लेकिन पानी गंदा, मुझे समझ नहीं आ रही कि गंदे पानी में उस टाइम से अब तक जिंदा कैसे थी। खैर मैं दलदल दिखाता हूँ सामने, बच्चे अभी भी लगे हुए थे निकालने के लिए। ये बच्चे आ रहे हैं सारे, ये आप ये देख रहे हैं टांगे जो अपने साफ कर रहे हैं, 2 बच्चे खड़े हो गए। ये भी अभी मछलियाँ ही निकाल रहे थे दलदल में, इसीलिए इनके पास। ये वो दलदल है भाई जिधर से इन लोगों ने मछलियाँ पकड़ी, 3 मन मछलियाँ निकाली हैं, बाकी बच्चे भी पकड़ रहे थे मछलियाँ। ये है वो दलदल जहाँ से ये सारा पानी है, देखने को तो गंदा और छोटा है लेकिन 3 मन मछली निकली इधर से, बड़ी बात है। खैर और ये खाली आज नहीं, हाँ कल भी निकाली।
कल भी निकाली थी, आज के अलावा भी। तो भाई ये तो अच्छा सिस्टम है, एक खाने पीने की चीज़ें रोज निकल रही हैं। यार बेचारे गांव में लाइट का थोड़ा सा मसला था, ब्लॉग भी अपलोड मैंने आपको बताया था, जैसे मैंने एक पोस्ट पे लिखा था कि यार नेट कनेक्शन की इशूज बहुत है, सिग्नल विग्नल नहीं आते ना इधर, बहुत कम आते हैं, बहुत स्लो चलता है नेट, इसी वजह से सिग्नल इशू भी बहुत था, तो इसीलिए ब्लॉग भी बहुत लेट अपलोड हुआ, जबकि बना हुआ कब का पड़ा हुआ था ब्लॉग। तो बाकी अभी एक ब्लॉग मेरे पास और पड़ा हुआ है, एक ये है, मतलब ये तीसरा ब्लॉग है, दूसरा इंशाल्लाह मैं जल्द अपलोड कर दूंगा। तो दूसरा ऐसा सीन है, बस अभी निकलते हैं नारोवाल, आपसे तब मिलता हूँ जब निकलने वाले होंगे। बस अभी हम लोग निकल रहे नारोवाल के लिए, खाना वाना खा लिया था, अभी निकलने का टाइम है हम लोगों का। बस एक चिंची रिक्शा करवाया हम लोगों ने गाँव में चलते चिंची रिक्शा, अब इसमें जाएंगे। A few moments later. एकदम नारोवाल लिबर्टी में आ गए, लिबर्टी यहाँ पर है कपड़ों की दुकान है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे चीज़ का है, ये आपको मैं दिखाता हूँ। ये पूरी लिबर्टी मार्केट है, इधर ये जैकेट्स वैकेट्स स्वेटर्स ये हर चीज़ है। अब इधर से हम लोगों ने लेनी है जैकेट भी अपने लिए और चाचू ने भी लेनी है, तो देखते हैं जिधर पसंद आएगी उधर उतरेंगे। यस हम लोग बस दुकानों पर देख रहे हैं, बस जिधर पसंद आएगी उधर चले जाएंगे। ये वाली यहाँ पर लड़कियों नहीं नहीं इधर नहीं, ये औरतों का सामान है इधर सारा है, लेडीज़ और ये यहाँ पे भी लेडीज़ है, फिर ये भी है कॉस्मेटिक्स हैं और वो बच्चों के कपड़े भी हैं यहाँ पर, और बाटा है और फलाना डिमकाना एंडियोर है, सारी चीज़ें हैं इधर। अभी देखते हैं जिधर से पसंद आएगा उस दुकान में चल के कुछ पसंद करते हैं अपने लिए। चलो तो इधर कुछ पसंद नहीं है, इधर कुछ नहीं है, जा रहे हैं नेक्स्ट दुकान पर जो शुरू शुरू है, उधर देखते हैं। ठंड हो गई अभी, बहुत ठंड लग रही है। स्वेटर है भाई, मैं अलग पसंद कर रहा हूँ, कोई अच्छी चीज़ नहीं है। एक ये वाली मुझे अच्छी लगी थी, उसके अलावा एक ये पड़ी हुई है वो वाली है, जाना चाहिए लोकल तो नहीं होते ना ये चीज़ें होती है। एक थी मगर ये वाला पहले इस तरह की, मतलब ये तो रेबन है इस तरह की, पहले बहुत वो पहनी है लेकिन डुप्लीकेट थी वो सारी, ये बहुत पहनी है डिज़ाइन, अभी भी एक सेम इस तरह पड़ी जो आगे भी पहनी है, अभी ये वाला डिज़ाइन ये जो दूसरी रखे हैं, अब दिखाता हूँ फिर आपको। भाई एक ही ऐनक ली है वही वाली, ये मुझे पसंद आ रही थी काफ़ी टाइम से, एक अच्छी ऐनक नहीं ली थी तो आवाज़ नहीं खुल रहा, एक ऐनक भी ले ली है, बालों को इग्नोर करना काम का भी, खोले में हेयर बैंड भी नहीं लगा, फोनी भी नहीं है, इसीलिए बाल अभी दिख रहे हैं। ये मैं खाली इस वाली दुकान है ना, अगली इस वाली, अभी हम इस शॉप में जा रहे हैं जैकेट्स देखने के लिए, गलती से दूसरी दुकान में घुस गए थे, अभी हम जा रहे हैं इधर जैकेट का। मुझे एक पसंद आई थी, मैं आपको बात दिखाता हूँ पहले, ये जो ब्राउन वाली लगी हुई है मुझे एक ये बहुत पसंद है, अंदर और भी बहुत सारे आर्टिकल थे, पहले हम इधर चलते हैं जिधर चाचू लोग हैं, फिर उसके बाद इधर आते हैं। चलो भाई आ जाए, लगे हुए इधर कोयटा की ठंड के हिसाब के नहीं, कोई प्रॉपर जैकेट लो, ये तो वैसे फैशन वैशन है, तो अभी साथ वाली दुकान पे जाके देखते हैं कि क्या सीन है। कुछ जैकेट कहीं भी पसंद है, यहाँ पर अभी तकरीबन काफ़ी दुकानें बंद हैं, और जो खुली नहीं थी तकरीबन कुछ छः दुकानें घूमी हैं, छः से सात, वहाँ पर कोई पसंद नहीं आई, वो चीज़ नहीं है जो हम लोगों को चाहिए, वो आर्टिकल नहीं मिल रहा जो हम लोगों को पसंद आना, मुझे ना चाचू को, बस देखिए दुकानें कुछ अच्छा नहीं लगा, अभी देख रहे हैं अगर किस्मत से कहीं पर मिल जाती हैं। उसके अलावा स्वेटशर्ट थी, स्वेटर थे वो लेने नहीं है, लेनी जैकेट है, और जो जैकेट है वो मिल नहीं रही है, मसला ऐनक मिली थी, ऐनक मैंने ले ली है, तो अभी देख रहे हैं कुछ अगर अच्छा लगता है तो लेते हैं। वो जो बाज़ार है यहाँ पर अभी सामान वामान है, कपड़े वपड़े, खैर जैकेट तो हमें पसंद नहीं है, अभी हम घूम रहे हैं, अगर कोई मिल जाती है दुकान तो हम लोग ले लेंगे वहाँ से, वरना जाएंगे कुछ खाएंगे पियेंगे।
के आए थे और लिया के आए थे। जैकेट तो पसंद नहीं है, खैर अभी नारवाल के शहर के आपको थोड़ा बहुत दिखाया, अभी जा रहे चाय पीने के लिए, ठंड बहुत है, चाय पीते हैं और देखते हैं कुछ शॉर्मा मिलता है, कुछ मिलता है तो खाते पीते भी हैं। अभी चाय के लिए होटल में बैठेंगे और वहाँ से कुछ शॉर्मा वार्मा मिलता है तो मज़ा ही आ जाएगा। बहुत ज़्यादा आसपास तो कहीं शॉर्मा नहीं हो, बंदे से पूछो कह रहे इधर चौक से सीधा जाएंगे तो मिलेगा, फिर लेट हो जाएगा। यहाँ से ये जो वैगन्स हैं और ये जो कोचेज हैं ये सारी सियालकोट के लिए और दूसरे शहरों के लिए। खैर अभी देखते हैं क्या बनता है, अभी फिलहाल हम लोगों ने यहाँ से चाय मंगवाई, चाय पीते हैं आराम से। One eternity later. बस मुझे भूख लगी थी, अभी मैं इधर आया हूँ तो टिक्कियाँ हैं, बोतल मंगाई साथ, अभी खाता हूँ, भूख लगी हुई चिकन की है, साथ शॉर्मा भी मंगवाया।